मानस जायसवाल और अविनाश गोरखसागर हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर आप एसजेएक्स निफ्टी को देखेंगे तो अपने इंटरडे हाई से थोड़ा सा नीचे आया है अब, और अब महज 5 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। खबरों वाले शेयर्स देखेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले देख लेते हैं कि डेरिवेटिव्स में कल क्या हुआ है। वीरेंद्र, इनफैक्ट आपने शो की शुरुआत में मेंशन भी किया था कि कल के जो स्टैटिस्टिक्स हैं एफआईएस के डेरिवेटिव्स में, उनको देखते हुए लग रहा है कि शायद मार्केट्स यहां से और नीचे स्लिप हो। एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखिए, थोड़ा सा संक्षेप में रखूंगा। आज कल की गिरावट में आप देखें, क्रिटिकल लेवल पहले 8640 टूटा और 8600 डिसाइसिवली टूटा। वॉल्यूम्स का काफी स्ट्रॉन्ग थे। और अगर आप एफआईएस के अप्रोच को देखें, कैश में भले उनकी तरफ से नेगेटिव कमिटमेंट नहीं है, करीब करीब 412 करोड़ की खरीद है, लेकिन आप डेरिवेटिव्स में उनके आंकड़े को देखें ना, तो डेरिवेटिव्स थोड़ा सा परेशान करने वाला है। एक तो डीआईएस की सप्लाई 750 करोड़ की, और एफआईएस इन डेरिवेटिव्स अगर आप देखें तो कल करीब 865 करोड़ की बिकवाली हुई। अगर आप सेगमेंट वाइज देखें, कल इंडेक्स फ्यूचर्स 92 करोड़ का खरीदा उन्होंने। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं अगर आप आगे जाएं पुट्स में इंडेक्स ऑप्शंस में देखिए, 362 करोड़ की बिकवाली, याद रखिएगा 362 करोड़ की बिकवाली, और स्टॉक फ्यूचर्स 576 करोड़ का बेचा। दो सेशन में एफआईएस ने लगभग 1400 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेच दिया। और ये जो मैं बोल रहा था ना इंडेक्स ऑप्शंस की बिकवाली, याद रखिए एफआईएस ने जो कॉल लॉन्ग है अपनी, वो काटी भारी मात्रा में, यानी लॉन्ग कॉल, यानी 8800-8700 के स्तर पर जो लॉन्ग कॉल थी, और कॉल शॉर्ट काफ़ी किए हैं उन्होंने, बहुत डिसाइसिवली लॉन्ग करे, आई मीन कॉल शॉर्ट करी है 86, 88 और आपका 87। आप देख रहे हैं कल कितने राइटिंग है, राइटिंग क्वांटम देख रहे हैं। दैट मीन्स जो मेरे पास पहले कंफर्ट था ना, या देखिए लास्ट वीक भी निफ्टी 8520 पे आया था, मेरे पास ये कंफर्ट था कि ह्यूज कॉल राइटिंग एफआईएस की तरफ से नहीं थी, इस बार है, तो मेरे लिए एक प्रेशर ये है। और जरा आप पुट्स को देखिए, याद रखिए कल एफआईएस ने पुट्स बहुत लॉन्ग करी है, कॉल राइट करी है और पुट्स लॉन्ग करी है। और 8500 की पुट पे देखिए, यहां पर कॉल राइटर बाहर निकला, 8600 की पुट कॉल राइटर पुट राइटर बाहर निकला, 8400 की पुट में, अब देखिए बाइंग हुई है दो पुट्स में, 8400 की और 8300 की पुट में, डीप आउट ऑफ मनी पुट में। अगर आप देखें, यही चीज मेरे को सुबह से खल रही है। एक तो आपने सिवियर कॉल राइटिंग करी, आपने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किए, आपने डीप आउट ऑफ मनी पुट्स एक्यूमेट की। देखिए, मेरा लॉन्ग का स्टॉप लॉस तो कल ही टूट गया है, और मैं फॉर द टाइमिंग शायद लॉन्ग करूं भी ना, लेकिन 8530 जैसे अगर आप देखें, कुछ देर पहले मानस भी कह रहे थे, वो टूटेगा ना तो सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब होगा। अभी लॉन्ग ट्रेड्स के बारे में थोड़ा सा कम सोचिए, शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं आप, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ 8580-8600। और दूसरी बात देखिए, सबसे कल का कल्प्रिट था वो, जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, निफ्टी बैंक दिवाली, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेज था कल बैंक का, लेकिन इसने कल 18800 को वॉलेट किया। देखिएगा इसकी अप्रोच क्या होती है 18420 पे। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ यहाँ पर, अगर आप कल मार्केट को देखें ना, मार्केट की समरी को, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, बैंकिंग हो, कैपिटल गुड्स हो, सीमेंट हो, सीमेंट पे शॉर्ट सवार होना, कल सीमेंट में अप्रॉक्सीमेटली एवरेज अगर आप देखें प्राइस डिक्लाइन दिवाली 4% था, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, वॉल्यूम्स बढ़ा। कल सिर्फ अगर आप एक केमिकल और फर्टिलाइजर को छोड़ दें, उसके सिवा डेरिवेटिव्स में पूरा बाजार लाल निशान से भरा हुआ था, पूरा बाजार। और सबसे दिक्कत की बात है कि सीमेंट में शॉर्ट सवार होना एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस में, ये थोड़ा सा दिक्कत सेंटिमेंट्स वीक कर रहे हैं। बिल्कुल, कल सभी उन सेक्टर्स में हम दबाव देख रहे थे जहां पर हाल ही में एक परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, या फिर सीमेंट हो, ऑटो स्टॉक्स में देखिए कितना अच्छा रनअप देखा गया था कल, वहाँ भी मुनावस भी आती हुई दिखी। बैंक्स, कैपिटल गुड, सारे अग्रेसिव सेक्टर्स जो थे वो डाउन ट्रेंड में थे कल के सेशन में। ब्रजेश सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, एक क्विक कमेंट उनका ले लेते हैं। ब्रजेश, गुड मॉर्निंग, आज के लिए इंडेक्स पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और साथ ही दो स्टॉक्स वो कौन से होंगे जो आप इंट्राडे के लिहाज से रेकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? गुड मॉर्निंग दीपाली जी और वीरेन जी। देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया शॉर्ट टर्म के लिहाज से निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो। डेली चार्ट्स पे भी एक नेगेटिव डाइवर्जन फॉर्मेशन हुआ है, प्राइस वर मेकिंग हायर हाइज बट इंडिकेटर्स और ऑक्सिलेटर्स वो दे वर मेकिंग अ लोअर हाई। सो इंडिकेशन तो यही है कि हर लेवल पे अभी बिकवाली ही आपको देखने को मिलेगी। वंस इट वॉज इंडिकेशन दैट कि 8685-8690 के आसपास में ऊपर में बंद दिया, तो एक इंडिकेशन लगा कि एक बार हम 8740-8770 को हम टच करने की कोशिश करेंगे। बट मौजूदा सर को देखते हुए और कल की बिकवाली को देखते हुए वो अब लगता नहीं है कि हम वो लेवल टच कर पाएंगे। ओवरऑल मेरा मानना तो यही है कि जब तक निफ्टी 8680 के ऊपर अब ट्रेड नहीं करता है, तब तक तो लॉन्ग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात डाउन साइड की, अगर हम देखें तो जिस हिसाब से कल की बिकवाली देखने को मिली है, वो इंडिकेशन ये कर रही है कि आपको एक बार निफ्टी 8285 के लेवल आपको दिखा सकती है। एग्रेसिव शॉर्ट आपके 8470 के नीचे बढ़ना चालू हो जाएंगे। और चलिए अब यहां से खबरों का रुख करते हैं। देखिए सेंटीमेंट देख लीजिए आप, डीआईएस खराब, इंस्टीट्यूशनल खराब, और एफएनडो के खराब,
टेक्निकल सेटअप खराब, आज अगर आप देखें हर चीज़ खराब नजर आ रही है। लेकिन कुछ अच्छी खबरों की तरफ रुख करते हैं, और आज की अगर आप देखें दीपाली सबसे बड़ी खबर यस बैंक पर, कल का सबसे मजबूत स्टॉक, अगर पूरे बाजार को आप अलग छोड़ दीजिए, तीन स्टॉक्स थे, कोल इंडिया, यस बैंक, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड और जी एंटरटेनमेंट, ये चार स्टॉक्स थे जो बिल्कुल डिफरेंट थे, बाजार कुछ डिफरेंट कर रहा था। और आप देखिए ये तेजी खोखली नहीं थी, अपने करियर का दूसरा सबसे बड़ा ग्राफ देखें, क्यूआईपी इशू लेके आ रहा है यस बैंक का। इससे पहले भी अगर आप देखें 2014 में इन्होंने करीब करीब $500 बिलियन का एक क्यूआईपी लाए थे, लेकिन अगर आप देखें रकम के लिहाज से 2014 के एसबीआई के इशू से दूसरे पायदान पर अगर आप देखें, इतना बड़ा इशू है ये। तो अपने एक्सपेंशन प्लान्स को अगर आप देखें फाइनेंस करने के लिए बड़ा दाव खेला है यहाँ पे। और वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्यूआईपी को शायद बहुत अच्छा रिस्पांस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से इसलिए भी मिले क्योंकि आप देखिए करंट पेस ऑफ ग्रोथ यस बैंक की, आप देखिए जो एसेट क्वालिटी फ्रंट पर जो लेवल्स मेंटेन किए हैं बैंक ने, वो एक अच्छी डेवलपमेंट है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस क्यूआईपी इशू के बाद जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है बैंक का, जो कि जून क्वार्टर में 15.5% के आसपास रहा था, उसमें भी 150 बेसिस पॉइंट तक का जंप आ सकता है, 17% के। तो इसीलिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से इस बड़े क्यूआईपी को। ये अविनाश आप देखिए, आप नंबर्स देखिए, 1100 करोड़ रुपए का आपका रिपोर्टेड पैट, 31% आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम शुद्ध ब्याज आय में इजाफा, आई थिंक हर चीज यस बैंक के लिए ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही तरीके से प्लेस्ड है। आपकी राय 1267 है, स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट विद इन द बैंकिंग बास्केट, वेदर इट्स पीएसयू और आई मीन प्राइवेट, क्या कहेंगे आप इस पर, आपके नए टारगेट्स क्या होंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र, मैंने पहले भी कहा है कि यस बैंक का जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, कासा ग्रोथ है, और ऊपर से जिस प्रकार की इनकी एसेट क्वालिटी लगातार इन्होंने मेंटेन की है, हमको लग रहा है कि FY17 और FY18 दोनों ही काफ़ी अच्छे मजबूत साल होंगे। इनफैक्ट अभी कंपनी ने ये भी कहा है कि $1 बिलियन वो और रिसोर्सेज रेज करेंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे ज़रूर होगा। बट क्लियरली अगर हम बिजनेस ग्रोथ की बात करें और आने वाले 2-3 क्वार्टर्स की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि 1350-1400 का इमीडिएट टारगेट है, और अगले 1-2 सालों के लिए ये कंपाउंडेड कम से कम 18-20% की अर्निंग्स ग्रोथ दिखाएगा। तो ये डेफिनेटली एक बाय ऑन डिक्लाइन वाला शेयर होना चाहिए और सभी के पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। सभी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए यस बैंक, क्योंकि आप देखिए बीते एक साल में भी एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इसने अपने निवेशकों को कमा कर दिए, और इसीलिए जी बिजनेस के मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड्स में भी यस बैंक को वेल्थ क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, और राणा कपूर शिरकत ली थी उन्होंने इस अवार्ड्स में, और उन्हें यस बैंक के को वेल्थ क्रिएटर ऑफ द ईयर के अवार्ड के तौर पर नवाजा भी गया था। और आप देखें, आप एक साल की 6 मंथ की परफॉर्मेंस ही आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, 670 से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये स्टॉक, 1267 पर कल बंद हुआ। और अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो उससे ज़्यादा रिटर्न इस बैंक ने डिलीवर किए हैं। हालांकि इस QIP के जरिए जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 12-14% के आसपास डाइल्यूट होगी, जो कि करंटली 21.88% के आसपास है। और इनफैक्ट येस बैंक पर वीरेंद्र एक खबर और भी आज के MSCI इंडेक्स में बदलाव होने हैं, उसमें येस बैंक का वेटेज बढ़ सकता है, ये भी न्यूज़ है। I mean, हर चीज इसके लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्लेस्ड है। खैर, चलिए इस बैंक से बाहर निकलते हैं, हालांकि एक इस पर टेक्निकल कमेंट लेते हैं। मानस, आपकी अप्रोच क्या होगी 1267 पे, यस बैंक पे? देखिए, लगातार हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, तो कोई साइन नहीं है प्रॉफिट बुकिंग का, रिवर्सल का, या किसी भी तरह के वीकनेस का। मैं समझता हूँ कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल टारगेट सेट करने हो तो वो 1310 के आसपास के रहेंगे। मैं रिकमेंड नहीं करता यहाँ पर बहुत अग्रेसिवली बाय करना, क्योंकि ऑलरेडी हम एक स्मार्ट रैली देख चुके हैं। बट मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर किसी के पास स्टॉक है तो टाइम टाइम अपने स्टॉप लॉसेज रिवाइज करते रहें और पूरी रैली को एंजॉय करें। हाँ, ये जरूर है कि 1310 एक टेक्निकल टारगेट है और शायद हमें कुछ ही दिनों में 1310 के लेवल यस बैंक में देखने को मिलेंगे। तो यस बैंक कल 1267 के लेवल पर क्लोज हुआ, और अविनाश ने भी कहा कि ऑन डिप्स डेफिनेटली ये स्टॉक खरीदना चाहिए, और एक वेल्थ क्रिएटर रहा भी है प्राइवेट बैंकिंग में। लेकिन पूरी फाइनेंशियल में स्पेस में आप देखें तो एक और पॉकेट रही है जो कि डार्लिंग सेक्टर ऑफ द ईयर, या फिर कहें कि पास्ट 6 महीने तो खास तौर से रही है, वो है NBFCs। और शायद जो 6 महीने की तेजी है वो यहां से और स्ट्रेच हो सकती है, क्योंकि खबर ही ऐसी आई है NBFCs में 100% FDI को मंजूरी दी है कैबिनेट ने कल। बारीकियां क्या है वो समझ लेते हैं सुमित से, मेरे सहयोगी जो भी हैं, बताइए सुमित।
शुक्रिया दीपाली। देखिए क्या जो एनबीएफसी में निवेश है या फिर 100% एफडीआई वो ऑलरेडी मंजूर है, लेकिन जो उसका दायरा है उसको और बढ़ाया गया है। करीब करीब 18 जो सब कैटेगरीज हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर शामिल थे, और अलग अलग एनबीएफसीज में एफडीआई नियम जो हैं वो उसी तरह से थे, यानी कि 100% के आसपास निवेश को ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन अब उसका दायरा फर्दर एक्सटेंड किया गया है उन 18 सब सेक्टर से और बढ़ाकर, जिसके अंदर ब्रोकरेज सेक्टर भी शामिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शायद इसीलिए कल जियोजित, बीएनपी पारेबा या फिर वाइज जीएम फ्रेंचाइज शेयर कुछ एक अपटिक आते हुए दिखाई पड़े थे। ऑटोमेटिक रूट के जरिए एफडीआई को पहले ही मंजूरी थी और अब भी ऑटोमेटिक रूट के जरिए ही यहां पर निवेश होगा। साथ ही साथ जो एनबीएफसी से जो भी आरबीआई से रेगुलेटेड सेक्टर रहेंगे एनबीएफसी स्पेस में उसको लेकर मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ दूसरी फाइनेंशियल सर्विस को लेकर भी एफडीआई की छूट दी गई है, जो कि सेबी या फिर जो बाकी रेगुलेटर्स के दायरे में के अंदर आते हैं उनके अंदर भी एफडीआई निवेश सीमा जो है उसको भी उन दायरे के अंदर लाया गया है। तो एक अच्छी खबर के तौर पे देखा जा सकता है। पहले भी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में कई कंपनियों को राहत दी जा चुकी है, एनबीएफसी के अंदर जो बाकी सबसेक्टर हैं उनको राहत दी जा चुकी है, और अब इसका दायरा बढ़ा के ब्रोकरेज हाउस की तरफ भी ले जाया गया है, तो उनको भी काफी हद तक इसके राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। जी शुक्रिया सुमित आपका। तो इनफैक्ट सुमित, आपने बात की यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की, जो कि फायदा जिनको पहुंचेगा इस डेवलपमेंट के जरिए, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की अगर हम बात करें तो वहां पर एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कैबिनेट से अलग कि सेबी ने भी जो डेट म्यूचुअल फंड्स है उनके निवेश की सीमा बढ़ाई है। एग्जैक्टली उस फ्रंट पर क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए दीपाली, ये जो खबर है ये काफ़ी हद तक एमटेक ऑटो से सरोकार रखती है। जब एमटेक ऑटो का पूरा एपिसोड हुआ था तब सेबी ने सभी किसी भी एक कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड की जो निवेश सीमा है उसको कैप कर दिया था। उन्होंने उस समय भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को बार किया था इससे, और ये कहा था कि उनमें आप निवेश बढ़ा सकते हैं, अदर देन किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के आप हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर निवेश को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। पर अब उसी घटनाक्रम को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो दायरा 5% का था, यानी कि 5% तक और आप एक्स्ट्रा निवेश कर सकते हैं अपनी परमिशेबल लिमिट के, उसको बढ़ा के अब 10% कर दिया, यानी कि 25% पहले परमिशेबल लिमिट थी उसके ऊपर 5% बढ़ाया गया और अब उसको और बढ़ा के 10% कर दिया गया है कि ये निवेश डेट फंड्स के जरिए, यानी कि बॉन्ड्स के जरिए आप किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर कोई भी म्यूचुअल फंड अब निवेश कर सकता है, तो करीब करीब 35% तक का टोटल निवेश कर पाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है स्पेशली लो कॉस्ट हाउसिंग कंपनीज के लिए, जहां पर फंड क्रंचेस काफी ज्यादा ऑलरेडी चल रहे हैं और फंड रेज करना भी उनके लिए काफी मुश्किल होता है, उनके लिए एक अच्छी खबर के तौर पर देखा सकता है। और साथ साथ क्योंकि अब जो डेट फंड्स हैं उनका दायरा बढ़ा है, तो उनके लिए भी खास तौर से एक नया विकल्प खुल गया, जहां से अच्छे आयाम बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, फिर अच्छे रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे वो। जी बिल्कुल। तो डेट म्यूचुअल फंड्स अब करीब करीब 35% तक का निवेश कर सकेंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, और ये कदम उठाया गया है ताकि जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है वहां पर फंड इन्फ्यूजन या फिर कहें कि एक फंडिंग का प्रोसेस जो है वो आसान हो सके। इसीलिए पूरा ही हाउसिंग फाइनेंस स्पेस आज लाइमलाइट में रहेगा और कंसिस्टेंट परफॉर्म किया भी है स्पेस ने।